हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांशु कुमार अंजन। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि पावर ग्रिड में जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, उसमें कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। इन लोग ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन निकाल के इन लोग बता दिए हैं कि कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हो गया है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कंपटीशन कितना रहने वाला है कास्ट कैटेगरी में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पावर ग्रिड का प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, तो कोर्स अवेलेबल है मेरा वेबसाइट financecareer.in पर। कोर्स में हम लोग आप लोग को नोट्स, एमसीक्यू, पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको सारा ई बुक फॉर्मेट में रहने वाला है। तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecareer.in पर विजिट करिए। मेरे वेबसाइट पर दोनों पोस्ट का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। तो कोर्स का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो मेरे वेबसाइट पर विजिट करिए। और कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से। यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है और आपके साथ डिस्कस करता है। तो आज ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको जो भी जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट से रिलेटेड डेली अपडेट चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना आया है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट का। इसमें इन लोग हर एक रीजन वाइज वैकेंसी निकाले थे और हर एक रीजन वाइज इन लोग एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं और आपका एग्जाम सेम डे ही होगा। सबसे पहले कॉर्पोरेट ऑफिस में इन लोग जनरल कैटेगरी में 509 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 23 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ओबीसी में 191 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, एससी में 68 और एसटी में 1 सीट के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। टोटल आपका एप्लीकेशन 792 कॉर्पोरेट ऑफिस में इनका रिसीव हुआ है। पीडब्ल्यूबीडी में 9 सीट, एक सर्विसमैन का एप्लीकेशन 1 रिसीव हुआ है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में आपका जनरल में 225 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 54, एससी में 9, एसटी में 6 और टोटल आपका 296 एप्लीकेशन ओडिशा में आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर 3, एक सर्विसमैन का भी एक और डिपार्टमेंटल एक सर्विसमैन का भी एक एप्लीकेशन ओडिशा में रिसीव हुआ है। साउथ रीजन 2 के बात करें तो साउथ रीजन 2 में जनरल में 256 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 16, ओबीसी में 205, एससी में 48, एसटी में 6 सीट का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। टोटल एप्लीकेशन यहाँ पर 531 रिसीव हुआ है, जिसमें पीडब्ल्यूडी का 1 एप्लीकेशन है, एक सर्विसमैन का 1 एप्लीकेशन है। बेस्ट रीजन 2 के बात करें तो बेस्ट रीजन 2 में आपका टोटल एप्लीकेशन 70 रिसीव हुआ है, जो कि आपका एसटी के लिए जो वैकेंसी था एसटी में यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन 70 रिसीव हुआ है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट में रिसीव हुआ है 1636 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। कंपेयर करा जाए जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं सीए इंटर, सीएम इंटर, उसके बेसिस पर देखा जाए तो एप्लीकेशन कब रिसीव हुआ है, तो आप लोग को गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीएससी में जॉब लेने का। एक महारत्ना कंपनी है पावर ग्रिड, इसमें आप जॉब ले लेते हैं तो आपका अच्छा पैकेज बनने वाला है, आपका करियर ग्रो हो जाएगा। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecareer.in पर विजिट करिए, कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। बता दूं कि दोनों पोस्ट का जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट का एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मस्त चेकअप करिएगा यदि आप अभी तक सिलेबस नहीं पता है कि क्या पूछा ना जाने वाला एग्जाम में। तो अब बात करते हैं असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। इसमें 2 रीजन के लिए वैकेंसी आई थी, ओडिशा के लिए आई थी और साउथ रीजन के लिए वैकेंसी आई थी। जनरल में इसमें 124 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ईडब्ल्यूएस में 26, ओबीसी में 107, एससी में 47, एसटी में 78, टोटल एप्लीकेशन 432 आई है ओडिशा रीजन में, जिसमें 7 एप्लीकेशन पीडब्ल्यूडी का भी आया है।
साउथ रीजन की बात करें तो साउथ रीजन में यहाँ पर एप्लीकेशन जनरल के लिए 346 आई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 आई है, ओबीसी के लिए 388 आई है, एससी के लिए 397 आई है, एसटी के लिए 26 आई है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन साउथ रीजन में 1204 आई है, जिसमें 41 एप्लीकेशन पीडब्ल्यूडी के लिए आई है और 3 एप्लीकेशन एक सर्विसमैन के लिए आई है और 1 एप्लीकेशन एक डिपार्टमेंटल सर्विसमैन के लिए आई है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसमें भी 1636 आई है। ए क्या बोलूं, दोनों में एप्लीकेशन नंबर ऑफ सेम ही रिसीव हुआ है। देखिए जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग में भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1636 रिसीव हुई है, असिस्टेंट ट्रेनी फिनांस में भी एप्लीकेशन 1636 रिसीव हुई है। यानी कि देखा जाए तो दोनों में एप्लीकेशन इक्वली रिसीव हुई है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग में 4 रीजन के लिए वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट ट्रेनी फिनांस अकाउंट्स में 2 रीजन के लिए वैकेंसी आई थी, फिर भी एप्लीकेशन दोनों जगह सेम ही रिसीव हुई है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितना रहने वाला है आप कास्ट कैटेगरी में, उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए और आप जॉब ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जितना भी एप्लीकेशन रिसीव होता है इसमें सारे कैंडिडेट एग्जाम देने नहीं जाते हैं, यहाँ पर 20% कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम देने नहीं जाते हैं, एस्पेक्ट जो ट्रेंड देखा गया है, तो उसके बेसिस पर भी आप कॉट कर सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितने रहने वाला है वन सीट पे। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और अभी तक आप मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फिनांस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट ट्रेनिंग फिनांस एंड अकाउंट्स का, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को आप गो थ्रू कर सकते हैं यदि आपको अभी तक सिलेबस नहीं पता है। तो फिर उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।